हेलो एवरीवन, दिस इज पची। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो फाइनली बहुत दिन के बाद मैं जा रही हूँ उड़ीसा, मेरे घर। सो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। सो कहाँ पे जा रहे हैं वो तो आप लोग को आगे आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा। एक्चुअली हम लोग का ट्रेन था रात को 12 बजे, लेकिन ड्यू टू सम क्या बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच उसका जो भी है, तो इसलिए अभी हम लोग का ट्रेन है 2 बजे। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा। जब सब कोई सो रहा होगा हम लोग वेट करेंगे स्टेशन पे ट्रेन को वेट करने के लिए। लेकिन हाँ, इस बार कोई दिक्कत नहीं, मतलब जर्नी इतना आगे एक्साइटमेंट होने वाला है, तो ये सोच के जितना भी लेट हो लेकिन हम बस पहुँच जाएँ, ये सोच के हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई सो रहा है जो कि अपना चेहरा छुपा रहा है थोड़ा शर्म के मारे। और अभी हम लोग बुक करने वाले हैं ओला, सो लेट्स सी क्या होता है आगे आगे। और बहुत सारा लगेज हो गया है तो इसीलिए थोड़ा सा अभी हम लोग टेंशन में हैं। हम लोग नहीं, जो लगेज उठाने वाला है वो ज़्यादा टेंशन में है कि मैं कैसे इतना सारा लगेज लेके जाऊं। सो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कितना सारा लगेज है। सच में एक कहावत है, मैंने सुना था, मतलब सच सच्ची बात है ये। लाइक वो कहता है ना कि जब आप बाहर रहते हो तो आपको घर जाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब जब पहले हम लोग घर में रहते थे तब हम बाहर जाने के लिए टाइम निकालते थे, तो यही अभी डिफरेंस है। तो या आई एम सो एक्साइटेड एंड लेट्स सी, आई जस्ट होप कि बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत अच्छा होगा ही होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे होता है क्या। सो हम लोग जा रहे हैं 2 जन, लेकिन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सामान हो गया है। एक्चुअली ये जो रेड कलर का है इसमें मेरा सामान है, और ये जो छोटू सा बैग है इसमें भी मेरा सामान है, और जो हैंडी है थोड़ा वाइल्ड क्राफ्ट का जो मैंने था, जो कि ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड ये मैंने मिंत्रा से लिया था एंड ट्रैवल के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकती हूँ। और इसमें है मैं पतिदेव का सामान, और इसमें हम लोग का मतलब जूती वगैरह कुछ कुछ, और इसमें कुछ इसमें है कुछ थोड़ा सा मतलब इधर उधर का छोटा मोटा सामान। ऐसा करते करते अभी हो गया इतना सारा लॉगेज जो कि पका, तो पैकिंग हो चुका है ख़त्म। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे दोस्त का, वो आ जाएगी फिर हम लोग निकलेंगे मिलके ओला से, क्योंकि ये हम लोग का है सेकेंड ट्रिप, क्योंकि दार्जिलिंग में हम लोग पहली बार साथ में ट्रिप किए थे, ये हम लोग का सेकेंड ट्रिप है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। निम्मी आ चुकी है फाइनली, एक गाड़ी से उतर के दूसरा गाड़ी में भी बैठ जाएगी। हम लोग का ट्रेन आ चुका है एंड वी आर गोइंग विथ बहुत सारा लगेज। तो फाइनली हम लोग का टिकट कंफर्म हो गया है और ट्रेन भी आ चुका है। खाली स्टेशन आप लोगों ने कभी देखा है? एकदम कोई नहीं है, एकदम खाली खाली। पहुंच चुके हैं स्टेशन में। हम लोग आए हैं अभी शॉपिंग करने के लिए, सब कोई कर रहा है शॉपिंग कुकीज, तो हम लोग जाएंगे फ्लाइट में, तो इसलिए कुछ शॉपिंग के लिए ले रहे हैं कुकीज। सो गाइस फाइनली मैं आके पहुंच चुकी हूँ भुवनेश्वर में एंड आई एम वेटिंग फॉर माई मॉम, तो वो बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली है एंड उसके बाद करेंगे हम लोग बहुत सारे बातें। देन उसके बाद हम लोग का स्टार्टिंग होगा पैकिंग, मतलब फाइनल वाला पैकिंग, वो तो कोलकाता से मैं करके आई थी, लेकिन अभी जो होगा वो फाइनल वाला पैकिंग होगा। सो लेट्स सी। और हमेशा की तरह मिस्टर बिजी, तो कल के लिए रेडी स्टडी एंड पो। सो फाइनली जो कि हमेशा काम में बिजी बिजी, लेकिन हाँ कल से हम लोग का शुरू होने वाला है इस साल का सबसे बड़ा ट्रिप। सो केंती लागु जी। सो फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, और हम लोगों का फाइनल फाइनल नहीं परमानेंट ड्राइवर जो है वो
डाउन टाइम हम लोग फिर जा रहे हैं थोड़ा राइट पे, क्योंकि मैं अभी हूँ भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर का गर्मी तो आप लोग को पता है कुछ ज्यादा ही है। टिंग 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 टिंग। हेलो गाइस, थोड़ा सर्दी हो गया तो हमारा थोड़ा गला बैठ गया है, बुरा मत मानिएगा। डबल बोल। सो हम लोग गए हैं लॉन्ग राइड, तो नहीं ये है शॉर्ट राइड, जो कि घर से एकदम पास में ही थोड़ा बहुत हम लोग घूम के आ जाएंगे। ना गंगोच रहे। अब माय अभी होने वाला है थोड़ा सनसेट, मतलब थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट हो रहा है, तो दिस इज द व्यू। सो हम लोग का शॉर्ट जो राइड था वो हो चुका है खत्म। अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा समोसा कुछ खरीदने, क्योंकि अभी हो चुका है शाम और शाम के टाइम पे समोसा नहीं खाया तो क्या खाया, क्योंकि ओडिशा में आके आप अगर समोसा और बड़ा नहीं खाते हो तो, मतलब मैं जब कोलकाता में रहती हूँ इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो फाइनली सुबह मैं ऑलरेडी समोसा खा चुकी हूँ, समोसा एंड बड़ा, और अभी मैं फिर से खाने वाली हूँ। उड़ीसा का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिश छेना पोड़ो, जो कि आप लोगों को तो पता ही होगा, वो भी हम लोग लेंगे। सो लेट्स गो। एंड परमानेंट ड्राइवर कैसे हो? ड्राइवर सर कैसे हो? ठीक है भाई। ड्राइवर का हालत हो चुका है थोड़ा सा खराब, क्योंकि उसको हो गया है थोड़ा कोल्ड। हमको सर्दी हो गया है इसीलिए कहा है कि हम थोड़ा ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसका जब वॉइस वापस आ जाएगा वो फिर से बोलने लगेगा, वो भी अच्छे तरीके से। वैसे कल से हम लोग का बड़ा वाला ट्रिप होने वाला है शुरू, सो स्टे ट्यून, आगे आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। वेट कर रहे हैं कब समोसा आएगा हम लोगों के पास और हम खाएंगे समोसा। गांगुराम होटल, जो कि इस गली का वन ऑफ द फेमस होटल में से एक है, जहाँ पे मिलता है टेस्टी टेस्टी समोसा। हम लोग का फाइनली हो चुका है लगेज रेडी, इतना सारा ट्रॉली।